पूरी पूरी मिट्टी जो यहाँ पे नीचे गिर चुकी है, ओ तेरी, आपके भी बुरे हाल हो गए, मेरे भी हो गए। देखो फील करके बोलिए जरा, व्हाट यू फील हियर। पहुंच गए जन्नत में, जन्नत में आ गए ना, सुकून मिल गया, सारे पाप धुल गए यहाँ पे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आप देख रहे हैं सुरेश ऑफिशियल के चैनल में एक न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज जो है सीओ सोर का ट्रैकिंग हमारा दूसरा दिन है, तो आप देख रहे हैं पार्ट टू। जिसने पार्ट वन नहीं देखा तो जाकर पार्ट वन देखें और तार फार कमेंट कर दें। तो गाइज, आज जो है दूसरा दिन तो ट्रैकिंग का हमारा, तो कल जो है काफ़ी थक चुके थे, तो रात का जो स्टे हमारा हुआ था वो यहाँ तराड़ा गांव में हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गांव है तराड़ा गांव। तो कल भी जो है मौसम बिल्कुल साफ था, देवता जी के आशीर्वाद से जो है कल का दिन भी अच्छा गया, तो आज भी अच्छा जाएगा मेरे ख्याल से। तो देवता के साथ ये ट्रैकिंग करने आए तो अच्छा ही जाएगा। तो इस गाँव में हमारा जो है कल स्टे हुआ था, तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छी जो है रिस्पेक्ट भी की थी। ये हमारे काकू भाई, हेलो करो। हेलो भाई, तो कैसा लगा आपको तराड़ा गाँव? तो कैसी रिस्पेक्ट की यहाँ के लोगों ने? अच्छी रिस्पेक्ट, क्यों क्यों? सभी लोग जो है खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ब्रेकफास्ट कर रहे सब। भैया आए करो, ठीक ठाक आप? कहाँ थे आप शाम को? सुबह से दर्शन नहीं मिले आपके देखने के लिए। हाँ, तो कैसी रही ट्रैकिंग? जबरदस्त। ये बड़े बाबा ठीक ठाक? बढ़िया। कि क्या निकाल रहे आप? क्या निकाल रहे आप, दिखा रहे? वीडियो निकाल रहे? वीडियो धूम्रपान मत पियो। बात तो सही है। दादू हाय करो। बड़े पापा ठीक ठाक? बढ़िया, आप सुनाओ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक ठाक है आप? जी, आपकी ट्रैकिंग? ट्रैकिंग बहुत अच्छी बात हो रही है। आज शाम को कहाँ थे आप? शाम को यहीं थे, तराड़ा गाँव। तराड़ा गाँव कैसा लगा? तराड़ा गाँव बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये भी हमारे ब्लॉगर आदमी है, एक दूसरे का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डाल दूंगा, आप उठा डाल दूंगा, ठीक है? देखो किस तरह से सब लोग जो खाना खाने बैठ चुके हैं। तो गाइस, अभी जो आप देख रहे हैं जो तराड़ा गाँव का मंदिर है, तो कितना प्यारा है इसके जो डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप कितने प्यारे हैं। उधर आप देख सकते हैं किस तरह से चित्रकारी इसमें की है, वो देख सकते हैं आप। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, अभी ये पूरा बना नहीं है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं सारा जो है तराड़ा गांव का मंदिर का जो इधर व्यू है, देवता जी के दर्शन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप देवता जी हमारे, जो जिनके साथ हम ट्रैकिंग कर रहे हैं दो दिन से ही रखी है। ये अंकल जी, भैया जी, कैसी बारिश हो रही है? फिर आपने क्या डाल दिया त्रिपाल जैसे? कर दिया। ये सही है, सही है, सही है, करना पड़ा ये। हाँ, पानी सफर के लिए इसे बैग बैग के ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा सीन हो गया। हाँ हाँ, ये भीग जाए कोई बात नहीं। अब बढ़िया 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 है, सेफ है। इसको भिजा दो, इसको भिजाने का मौका आगे मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? डमरू। इसको हमने दूसरा रूल दे दिया ना, रूल चेंज हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी नहीं मेरा। अभी जो है 12:19 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सड़क के क्या हाल है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो ऐसे में ट्रैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो है 12 बज चुके हैं, तो हमारे को यहाँ वहाँ पहुँचने में कितना, शाम के 6 बजे हम पहुँच जाएंगे वहाँ तक। कहाँ जाना है पता नहीं, सिरसौर। हाँ, सिरसौर। शाम के 6 या 7 बजे पहुँचेगा मैं ना? तो शाम के 6 या 7 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी लोग हैं। अभी आप देख रहे होंगे तो आगे भी बहुत लोग चले गए हैं, 600 आदमी। हाँ, और डॉगी भी अपना जो है, जो दमैली से डॉगी भी आया है। हाँ, जो अपना डॉगी है वो भी ट्रैकिंग में चल पड़ा है अब। तो देवता जी भी नाचते नाचते जा रहे हैं, और हमारे गोलू भाई है, ये अपने गोलू भाई डमैली गाँव से। हेलो करो सर।
ठीक ठाक चल चल चल। तो अभी और ज़्यादा बारिश जो तेज़ हो चुकी है तो सभी लोगों ने छाता खोलना शुरू कर दिया। मैं आपने देखा था पार्ट वन में तो पिछली ट्रैकिंग हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, तो ये आज की जो ट्रैकिंग है ये भी बड़ी खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज जो है बारिश हो रही है, पिछले कल जो बारिश भी नहीं हुई थी। किस तरह से जो है पानी जो है सड़क में बह रहा है। जंगल में पहुंच चुके हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और यहाँ का व्यू है जो है बहुत ख़तरनाक है। तो ये देख सकते हैं रास्ता भी जो है बहुत खुला है, जैसे यहाँ पे कोई सड़क है पर ये रास्ता है, कोई सड़क नहीं है। पर ये देख सकते हैं आप पेड़ पौधे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं आपको। बाकी काकुआई भी हमारे आ रहे हैं, ये हमारे साथ कुछ आ रहे जी आ रहे हैं। और काकुआई ठीक ठाक है आप? ठीक है सर। कैसा लग रहा है फिर आपको ट्रैकिंग में? ऐसा लग रहा है हवा निकल गई। ऐसे मत बोलो यार, यहाँ देखो कितना अच्छा रास्ता है, देखो इतना खुला ढुल्ला रास्ता, पेड़ पौधे देखने के लिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए देखने के लिए। बात तो सही है, हमारे साथ थोड़ी लड़कियां नहीं ऐसा नहीं बोलते देवते के साथ, गंदी बात। कौन है ये लोग? देखो ये पेड़ देखो आप कितना प्यारा है, क्यों बहुत प्यारा है ना, पौधे की खूबसूरत सी आवाज दिया आप देख रहे होंगे। क्या बोलती थी? इससे आपको पता चलेगा कि जंगल बचाओ। हाँ जंगल बचाओ, सही बात बोली आपने। इस स्कूल के पास आप व्यू देख सकते हैं, बड़ी स्कूल है, काफ़ी बड़ी स्कूल है और यहाँ का व्यू जो है बड़ा ही खतरनाक है, पूरा जैसा स्टेडियम लग रहा है। और हम लोग जो है पीछे पीछे होके जा रहे हैं, कुछ लोग जो आगे होके जा रहे हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा और सुंदर। अभी हम लोग जो है पहुँच चुके हैं क्वाइथाच यहाँ का नाम है। यहाँ पे एक काफी बड़ा विशाल पेड़ आप देख सकते हैं, काफी बड़ा है। Very dangerous! वो देख सकते हैं ऊपर कि इसमें कितने सारे पेड़ है, इसकी जो टहनी है कई तरह की फैली हुई है और आसपास जो है काफी बड़े पेड़ पौधे आप देख रहे हैं और यहाँ का व्यू आप देख रहे हैं काफी अच्छा है और यहाँ पे एक स्कूल भी है। तो गाइज अभी हम लोग जो पहुँच चुके हैं लगाडी है ना, तो अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ पे मंदिर भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर और उस साइड का व्यू दिखाऊंगा, जरा उस साइड का व्यू कितना प्यारा सा है, भी लगे वो दिखाओ। कम समय से इस बार और सड़कें भी कुछ ऐसी कच्ची सी है, देख सकते हैं पानी है सड़क में, तो जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे कच्ची सड़क देखने को मिल रही है। हमने अभी उस चोटी को पार करना है। हाँ, वो वाली चोटी आपको दिख रही है, उससे पार जाना है ना, उसको पार करना हमने। अभी जो है हम लोग यहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ पे, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है, हमारे पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और दिखाओ मंदिर ये हमारा मंदिर है, क्या बोलते हैं कौन सा मंदिर है, नगाटी पता नहीं क्या है। दादू क्या बोलते हैं, लड़ागी सही बोला, लड़ागी हाँ, जो भी लड़ागी गांव है। और दादू हलवा कैसे बना है? बढ़िया जी। चाय दे रहे कि पानी दे रहे वहाँ पे? ना चाय दे रहे। चाय भी दे रहे ना, बढ़िया ना, टेस्टी है। अरे हाँ भाई हाँ। कैसे रही आपकी ट्रैकिंग दादू? बढ़िया रही जी। ये हमारे दादाजी है। अच्छा ये क्या डाला आपने? ये वो डंडे ढोल बजाने वाला ढाका बोलते हैं इसको। अच्छा ओके। फाइनली हम लगाती गांव से भी निकल चुके हैं और सीता जी भी आ रहे हैं, सीता जी वो देख सकते हैं सब ने जो है जूते उतार दिए क्योंकि काफी ज्यादा वहां से जो है गिर चुका है, तो यहां से जाना थोड़ा मुश्किल हो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सकता है देख सकते हैं लोगों ने कैसे जूते उतार दिए, काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, यहाँ से थोड़ा संभल के चलना होगा। आगे मैं अभी बताऊंगा कितना ज्यादा गिर चुका है यहाँ पे, पूरे का पूरा जो है। ओ भाई ये क्या है, तो देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से जूते उतार के हाथ में रख दिए।
ओ तेरी, आपके भी बुरे हाल हो गए, मेरे भी हो गए देखो। ऐसा कि यहाँ पे भी स्लाइडिंग हो रखी है। क्या फर्स्ट है विनिशा चिमाटा? ओ तेरी, ये देखो जो इनके हाल क्या हो चुके हैं। बहुत ही खतरनाक रोड है यहाँ पे। हाँ बहुत ही ज्यादा, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा हमारे को। तो सभी लोग अब अपने पैर यहाँ पे धो रहे, तो सबके जो है पैर मिट्टी में खराब हो चुके थे, तो किस तरह से धो रहे देख लीजिए। फाइनली हमने 4 घंटे की ट्रैकिंग करके जो है हम डीम गांव में पहुंच चुके हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो डीम गांव में सामने जो मंदिर भी है, पता करेंगे कौन सा मंदिर है यहाँ पे, कौन सा मंदिर होगा पता नहीं है। गांव का नाम तो डीम है, यहाँ पे देवता देवता जी होंगे, पता नहीं कौन से देवता होंगे। रोड दिख रहा है, तो इस रोड होके हम जो है यहाँ तक पहुँचे। अभी किसी बारिश हो रही है, ज़्यादा भी नहीं हो रही, हल्की हल्की से हो रही है, और मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है, ना पानी लग रहा है, तो अच्छा मौसम, बिल्कुल सुहाना सुहाना मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग में, बहुत मज़ा। थोड़ा ऐसे रास्ते मिल रहे हैं खतरनाक वाले, तो जिसमें जो है काफ़ी दिक्कत आ रही चलने में, तो फिर भी जो है हम चढ़ रहे हैं, ऐसी खतरनाक ट्रैकिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलते चलते हम काफ़ी ऊंची पहाड़ी वाली चोटी पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ जो है सभी लोग जो है अभी विश्राम करने के लिए बैठ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आसपास जो है काफ़ी बड़े जो है पेड़ पौधे हैं। और तो गाइस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे जो है नई नई जगह से रूबरू हो रहे हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रंग बिरंगे जो है पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ पहले आप मैंने व्लॉग शूट किया था पहले शुरू में, तो वहाँ कुछ पेड़ जो है और थे, यहाँ पे कुछ और है। तो बाकी जो हाँ ये है बाबा जी भी बैठे हुए हैं, ठीक ठाक है आप? और ये जी आप सुनो, थक चुके नहीं जी? थके तो नहीं। ट्रैक कैसी रही आपकी ट्रैकिंग? बहुत बहुत मजे लगे, क्यों जी? मजा आ रहा चलने में? क्यों क्या बोलेगी इसको? छतरी छतरी हिंदी में मशरूम ही बोलेंगे क्यों? हाँ। जो भी परमाई लैंग्वेज छतरी बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो देख सकते हैं पीछे तक काफ़ी हरियाली दिख रही है, और बाकी जो हमारे साथी गण चले गए हैं, तो हमारे को अभी जाना पड़ेगा, ना तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। चलो चलते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का व्यू, कैसा नज़ारा है इधर का? यहाँ तो क्या जन्नत है, जन्नत। दिल छू गया क्यों? जन्नत है बाबू, उधर देखो। हाँ जन्नत है, हरियाली काफी अच्छी आ रही है, मौसम भी बिल्कुल सुहावना हो रहा है। अब जो है धूप लग गई है, धूप लग चुकी है। हाँ, और काफी जो है यहाँ पेड़ पौधे जो यहाँ जो है चारों तरफ शोभा दे रहे हैं यहाँ की हरियाली को, क्यों? हाँ खतरनाक। और आपने क्या देखा? हरियाली देखी यहाँ पर, और कुछ काफी अच्छा है, बादल छाए हुए हैं। हाँ वो देखो बादल कैसे छाए, मोरू के पेड़ है, मोरू। हाँ मोरू सुहावने लग रहे हैं, जिसकी लकड़ी बहुत पक्की होती है ना। हेलो भाई जी, भूख तो नहीं लगी यार? भूख में बहुत तेज से लग रही है, बहुत ही ज्यादा, इतनी भूख लग रही है, क्या करें, बहुत ज्यादा भूख, बहुत ही ज्यादा, कुछ मैं बोल नहीं सकता, आंतरिया से अंदर सुकड़ गई है। हाँ।
तो देख सकते हैं काफी टाइम से हम ऐसी हरियाली जो है देख रहे हैं। हुआ देखो कहाँ से आए, कम से कम 2 घंटे हो गए हमारे को, है ना? ओ 2 घंटे है ना, रास्ता ही भटक गए थे। तो लगातार दो घंटे से हम चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी सेम ही जो है 2 घंटे से ऐसी जो व्यू देखने को मिल रहा है हमारे को। हाँ। देखो हमारे साथी गण कैसे जा रहे हैं, यहाँ देखिए। तो बाकी गाइस खास, हाँ, मौसम भी साफ हो चुका है। तो गाइस बाकी तो कुछ नहीं है ना, भूख लग रही है। हाँ। बहुत ही जैसे भूख लग रही है, शायद मैं ब्लॉग वहीं बना पाऊँ जहाँ हम सीधे जहाँ आज रात पिछते हैं, तो वहीं बना पाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। कैपेसिटी कुछ भी नहीं है बोलने की, कैपेसिटी डाउन। हमारा वेट किया करो आप, अकेले 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 भाग रहे आप, क्या बंदे है यार। हम थे नहीं, हम तो बहुत ज्यादा बुरा, आप भी भटक गए बहुत ज्यादा, भटकती आत्मा है। अभी जो है आप शिव सौर की जो आबादियाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको देवता जी का अद्भुत डांस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से प्रॉपर जो है हमने व्लॉग देखने हैं, तो आपको पता भी लग जाएगा कि देवता जी क्यों आए यहाँ पे इतनी दूर। तो अगले व्लॉग में आपको पता लगेगा, इस व्लॉग में भी लग जाएगा वैसे थोड़ा। तो यहाँ से आपने बिल्कुल व्लॉग एंड तक देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस देख सकते हैं कि सभी लोग जो है कैसे रिलैक्स कर रहे हैं। हेलो करो, हेलो 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 हेलो, ये क्या हो रहा है? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुनहर बंदा है कह रहा मैं पहाड़ी हूँ, धंधी सारी 2 नंबर 1 नंबर का जुगाड़ी हूँ। इतना है मनाया फिर भी ना माने तू जाने क्यों, बल्ले जाऊंगा तुझको मैं ही क्योंकि पहाड़ी हूँ। और से सुनहर बंदा है कह रहा मैं पहाड़ी हूँ, धंधी सारी 2 नंबर 1 नंबर का जुगाड़ी हूँ। इतना है मनाया फिर भी ना माने तू जाने क्यों, बल्ले जाऊंगा तुझको मैं ही क्योंकि पहाड़ी हूँ। मेरा
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम जो है सीओस और पहुंच चुके हैं। तो कल रात को जो टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है ना कुछ, अंधेरे में कुछ व्लॉग अच्छा नहीं बनना था। तो अभी हम जो है माता रानी बूढ़ी नागिनी के मंदिर के पास है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा तालाब भी है। तो आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे ये सीओसआर की खूबसूरत सी आवाज़ें और कुछ चर्चा करेंगे हम खूबसूरत प्लेस की। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए और कैसे यहाँ पे आना है और क्या क्या सुविधा है यहाँ पे। और जो देवता जी हमारे वो माता रानी बूढ़ी नागिनी के क्या लगते हैं, क्या रिश्ते हैं, और देवता जी यहाँ पे क्यों आए हैं, तो इसके क्यों आए इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, कुछ काम से आए हैं। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला, नेक्स्ट व्लॉग यानी कि इसके बाद जो होने वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इसको जो है पूरा देखना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।